क्लास सिक्स हिंदी टेक्स्ट चैप्टर 12, एक प्रश्न चार उत्तर लेख। प्रस्तुत लेख के माध्यम से लेखक हम भारतवासियों के कुछ विशेष कमियों के बारे में अवगत कराते हैं। ये वे कमियां हैं जो हमारी उन्नति अथवा सफलता के मार्ग में सबसे बड़े व्यवधान है, किंतु यदि हम इन कमियों का निवारण सही ढंग से करें तो हमारा अपना जीवन तो उन्नति करेगा ही, साथ ही मानव समाज व राष्ट्र भी उन्नति कर सकेगा। इस कहानी के माध्यम से लेखक जो है भारतवासियों के कुछ कमी है, हम भारतवासियों में कुछ कमियां हैं उन कमियों से अवगत करा रहा है, और ये वो कमी है जिसके वजह से हम लोगों का उन्नति और सफलता के रास्ते में ये सबसे बड़ा बाधा है। और कह रहा है कि इन कमियों को अगर हम लोग दूर कर लेंगे तो हम लोग सही ढंग से अपने जीवन में उन्नति कर सकेंगे और साथ ही समाज राष्ट्र भी उन्नति कर सकेगा। तो अब हम लोग इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। सबको ही कुछ ना कुछ कब्ज होता है, मुझे भी कई बातों का कब्ज है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनसे किसी शुभ अवसर पर यह पूछता हूँ, आप कृपा करके यह बताएं कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलन के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। लेखक जो है कहता है कि सबको किसी न किसी बात से खब्द है, मुझे भी कई बातों का खब्द है। जब भी उसका कोई विदेशी से मित्रता होता है तो वह सहृदय उसको पाता है और उसे अपने प्रश्नों का उत्तर पूछता है। कितने लोग उसके प्रश्नों का उत्तर न देने के लिए क्षमा मांगते हैं, ऐसे कुछ संकोच करते हैं, ऐसे किसी कारण से वह उत्तर नहीं देना चाहते, लेकिन लेखक जो है उन्हें छोड़ता नहीं और उत्तर देने के लिए बाध्य करता है। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है, 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सप्तनिक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सम्मान और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम पर गर्व नहीं करते। विस्तार से उन्होंने यह बताया कि यहाँ पर जब किसी को नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है, बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। लेखक का पहला मित्र जो है वो ईसाई पादरी रहता है, जो कि 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में उतना नहीं, पर दरिद्र नर नारियों की सेवा में लगे रहे थे। लेखक के मन में उनके लिए बड़ा सम्मान और प्रेम है। उनसे वे जो है थोड़े में उत्तर यह देते हैं कि लेखक को कहते हैं कि तुम लोग जो है अपने काम पर गर्व नहीं करते। विस्तार से उन्होंने यह बताते हैं कि जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो वह अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में दरखास्त देता है, विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है, अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक के लिए शुभ कार्य करेगा, पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक की नाकों में दम कर डालता है और देशों में भी
देशों में भी लोग नौकरी के लिए दरखास्त देते हैं, साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं, और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं। जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है, और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाएगा। लेखक का पहला मित्र कहता है कि जब तुम लोगों को काम चाहिए होता है तो विनय विनय और सम्मान के साथ आरंभ करते हो, और जब काम मिल प्रतिज्ञा लेते हो कि काम मिल जाएगा तो अपने मालिक के प्रति सदा अपने मालिक के लिए सदा शुभ कार्य करोगे, पर स्थान मिलते ही वह अपना काम जो है और अपना काम अर्थात अपनी जीविका को ही वह खराब तुम लोग खराब समझने लगते हो। अन्य साथियों के साथ मिलकर के काम को ख़राब करने के बारे में सोचने लगते हो, मालिक के परेशान करते हो, और देशों में नौकरी के लिए दरखास्त देते हो, प्रार्थना पत्र लिखते हो, और जब स्थान मिल जाता है तो तुम लोग ऐसा करने लगते हो जैसे संसार का गति जो है तुम लोग के ऊपर निर्भर है, तुम लोग काम छोड़ दोगे तो संसार डूब जाएगा। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही है, हमें अपने काम का गर्व नहीं है, दुख तो इसका है कि इस मूल की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है, एक जाति का आदमी दूसरी जाति की आदमी द्वारा अपनी मान मर्यादा नहीं चाहता, वह अपनी जाति वालों के ही बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है, वह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है, बढ़ई अपने औजार की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चिंत तिथियों पर पूजा करता है। लेखक कहता है कि मेरे मित्र इस पादरी का बात बिल्कुल सही है, हम लोग अपने काम पर गर्व नहीं करते हैं, जबकि इस मुल्क में अपने काम पर गर्व करने का परंपरा है, जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। हम लोग जो एक जाति का आदमी दूसरी जाति द्वारा अपने मान मर्यादा नहीं चाहता है, अपने जाति वालों के बीच ही अपना पद और स्थान चाहता है, वह अपना जीविका के साधन का बड़ा आदर सत्कार करता है, बड़े ही अपने औजार का दुकानदार अपनी बहियों की निश्चिंत तिथियों पर पूजा करता है, सब जो है अपने कार्य पर गर्व करता है। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा भूल गए, हम अपना काम छोड़ दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़ दूसरा काम लेते रहते हैं, हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं और दूसरों को दुखी करते हैं। पर जो है हम लोग अपना लंबा दास्ता के कारण हम लोग अपना परंपरा भूल गए हैं, अपना काम छोड़कर के दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़ दूसरा काम ले लेते हैं, हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक ना कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को खराब करते हैं, सर्वे स्वधर्म में निर्धन से अपना काम अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना अच्छा है, यह आदेश हम भूल गए हैं, हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। लेखक कहता है कि लेखक का मित्र कहता है कोई काम ठीक ना कर सकने के कारण हम अपने को खराब करते हैं, काम को खराब करते हैं, अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना अच्छा है, ये आदेश हम भूल गए हैं, हम अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं। दूसरे मृत एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS के सदस्य है, 30 वर्ष से अधिक भारत में सरकारी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए, ना जाने कैसे मेरी उनसे मैत्री हो गई, वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया, उत्तर मिला तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। लेखक का दूसरा मित्र जो है एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS के सदस्य है, जो कि 30 वर्ष से अधिक भारत में सरकारी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश चला गया, उससे भी लेखक यही प्रश्न पूछता है तो वह उत्तर देता है कि तुम लोग जिम्मेदारी को नहीं समझते।
विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समिष्ट की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते, जो काम उठाया उसे करना चाहिए, गुण हम भूल गए हैं, भूल गए, किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया। खाने की दावत हो तो मेजबान को यह विश्वास नहीं है कि मेहमान समय से आएंगे, ना मेहमान को विश्वास है कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा, ना गृहस्थ को विश्वास है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, ना धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएगा। जिम्मेदारी नहीं समझने का विस्तार से अर्थ समझाते हैं लेखक के दोस्त की। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति जो है समिष्ट की तरफ जो कर्तव्य होता है उसको नहीं जानता है, किसी को किसी पर अब विश्वास नहीं रह गया। किसी को खाने पे बुलाओ तो खाने के दावत पर बुलाओ तो मेजबान को विश्वास नहीं है कि मेहमान समय से आएंगे, मेहमान को विश्वास नहीं है कि समय पर जाने से खाना मिलेगा या नहीं, ना गृहस्थ को विश्वास है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे या नहीं, और ना ही धोबी को विश्वास रहता है कि समय पर दाम मिलेगा या नहीं। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं है कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं है कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा न और प्रकार के तंग करेगा और प्रकार से तंग करेगा। सड़क पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं है कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख ना फूट जाएगी या पीछे से चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का ना देगा। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है कि केले नारंगी का छिलका पीन आदि इस तरह वह ना छोड़ेगा जिसे दूसरों को कष्ट पहुँचे, मांगी चीज ठीक हालात में वापस करेगा इत्यादि इत्यादि। हम केवल अपनी तत्कालीन सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पर्श हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं, आत्मन प्रतिकुलानी परेशाना समाचरित हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। यहाँ पर लेखक का जो दोस्त है ये कहते हैं कि इन्हीं सब कारणों से हम लोग सब जो है एक दूसरे के प्रति अपना विश्वास खो चुके हैं, किसी को किसी के प्रति विश्वास ना रहा और इसी अविश्वसनीय और अस्पष्ट इस तरह हम लोग अविश्वसनीय और अस्पष्ट हो गए कि हम लोग अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। आत्मन प्रतिकुलानी परेशाना समाचरित हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है, 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में जेल भी जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव इन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ है। इनको भी मैंने घेरा, इनका उत्तर था तुम लोग बड़े आलसी हो। तीसरा व्यक्ति जो था लेखक का मित्र वह एक स्त्री थी, 7-8 वर्षों तक अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से भारतीयों का सेवा कर रही थी और असहयोग आंदोलन में वह जेल भी जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव इन्हें कई कार्य क्षेत्र में घिरा हुआ। इनसे भी लेखक ने उसी प्रश्न का उत्तर पूछा तो इन्होंने कहा तुम लोग बड़े आलसी हो। अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व नहीं पहचाना है। मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम समझ रखा है, बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना है। हम भूल गए हैं कि संसार में जो बड़े हुए हैं मेहनत और लगन के बल पर हमें लगन नहीं है। इसी कारण ना हम अपने रोजगार में ना अपने गृहस्थ संबंधी या सार्वजनिक कार्य में ही सफल होते हैं। रोने पीटने झिकने
में जितना समय हम बिताते हैं उतना ही यदि काम में बिताए तो हम देश की और अपनी काया पलट कर सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। वह कहती है कि हम लोग श्रम का महत्व नहीं पहचाने हैं, मेहनत करना तो मरभूखों का काम समझते हैं, बड़े लोगों का काम तो बैठना है। हम भूल गए कि जो संसार में बड़े हुए हैं वह मेहनत और लगन के बल पर। अगर हम भी अपना काम मेहनत और लगन से करें, हम लोगों में मेहनत और लगन नहीं है, इसलिए ना हम अपने रोजगार में ना गृहस्थ संबंधी सार्वजनिक कार्य में सफल हो पाते हैं। रोने पीटने जीतने में जितना समय बिताते हैं यदि हम काम में बिताए तो अपना देश का काया पलट कर सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्ध स्त्री थी, संसार भर में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा ही प्रेम था। मेरी से पितामही तुल्य थी। उनको भी मैंने तंग किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश के विविध सेवाओं में लगा दिए हैं। आपको बताना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। चौथा व्यक्ति व्यक्ति जो है वह एक वृद्ध स्त्री थी, संसार भर में बहुत प्रसिद्ध थी और लेखक के कुल से उसको बड़ा प्रेम था। वह उसके पिता के समान थी। उससे भी लेखक यही सवाल करता है कि बताइए हम लोग का क्या दोष है जिससे हम लोग का देश का उन्नति नहीं हुआ है। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बताया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवक को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में विद्वता की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बताता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए। थोड़े में उस वृद्ध स्त्री का उत्तर था कि तुम लोग में उदारता नहीं है। विस्तार से कहा, उदाहरण देकर कहा, भारत में लोग एक दूसरे को आगे आगे नहीं देखना चाहते, आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवक को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देता। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्ध स्त्री का बात सही था। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बताता। कितना जो है परिवार जो है इस कारण नष्ट हो गया। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियां आदि लुप्त हो गई है। पैसों में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्सता दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पर चौथा व्यक्ति कहता है कि बड़ा बड़ा गुणी जो अपना विद्या साथ लेकर मर जाता है, इस कारण कितना वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियां आदि लुप्त हो गया है। पैसों में इतना प्रतिद्वंद्वता हो गया है कि बड़ा छोटा को कुछ नहीं सिखाता। इसके कारण कितना काम बिगड़ता है जिसके तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम ना उठाकर अपने और अपने काम में गर्व ना रखकर उसको करने से दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ना अनुभव कर अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दचित होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न करना और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि ठीक समय पर काम नहीं करना, अपने काम पर गर्व न करना, दूसरों के प्रति जिम्मेदार अनुभव नहीं करना, अपने काम के तरफ तफसील समझकर उसमें दचित होकर परिश्रम के साथ स्वयं न कर उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर अपना ही हम लोग नाश करते हैं।
चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोस्त को बताया। उन सबको मिलाकर मैंने ऊपर पूर्ण कर दिया। यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूंगा कि हम नागरिक कर्तव्य और अधिकारों को भूल गए हैं। चारों मित्र जो है एक एक अंश में हम लोगों के दोस्त के बारे में बताया है। इन सब को मिलाकर लेखक पूर्ण करता है कि यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं यही कहूंगा कि हम नागरिक अपने कर्तव्य और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी साधारण जन उनमें कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की इतिश्री समझते हैं। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेश के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वही के वही है, संसार वेग से चला जा रहा है। लेखक कहता है कि बड़ा सा बड़ा नेता होने के बावजूद भी हम लोग उसके साधारण जन लोग जो है उसका लाभ नहीं उठाते हैं। उनका मूर्ति की स्थापना करते हैं, जय जयकार पुकारते हैं, लेकिन और इसी में अपना धर्म समझते हैं। उनके कहे अनुसार नहीं चलते, उनके आदेशों के अनुरूप अपना जीवन का संगठन नहीं करते। इसी कारण से हम वही के वही रह गए, संसार वेग से चला जा रहा है। यदि हम यह ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं किंतु ठीक तरह से काम करने में, यदि हम यह अनुभव कर सके कि हम अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं है। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। लेखक कहता है कि यदि हम यह ख्याल रखें कि देशभक्ति का व्याख्यान देने से नहीं अपना देशभक्ति का केवल व्याख्यान देने से नहीं अपना काम ठीक तरह से करने में है। यदि हम यह अनुभव कर सके कि अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करें तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं है। और बहुत से लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्य क्षेत्र संकुचित ही क्यों ना हो, हम केवल धोबी, दर्जी, भंगी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, ग्राम शिक्षक ही क्यों ना हो तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा, उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। यदि हम अपना कार्य जो है ठीक प्रकार से करेंगे तो हमारा कार्य क्षेत्र संकुचित ही क्यों ना हो, हम केवल धोबी, दर्जी, भंगी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, ग्राम शिक्षक ही क्यों ना हो, तब हमारा देश जो है एकदम जाग उठेगा, उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारा व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्यत्व संगठित हो जाएगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन जब संगठित हो जाएगा तो सारा देश खुद ही संगठित हो जाएगा।